सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, असलहे की तकसीम भी इसी के मुताबिक करनी होगी। महमूद पाशा को बचाना होगा, गलती की गुंजाइश नहीं। मुझे कहां लेकर जा रहे हो? घबराओ नहीं, हम तुम्हें इस मुसीबत से बचाने वाले हैं। और हम तुम्हें कहां ले जा रहे हैं ये तुम्हें वहां पहुंचकर मालूम हो जाएगा। बम है यहां। बम, जहां बम है जल्दी बाहर चलो फौरन। सुल्तान मुअज्जम। इज्जत पाशा, मैं तो बस वहां इस मकसद से गया था कि उनकी बातें सुन सकूं कि आखिर वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां धमाका हो गया और मैंने मुश्किल से अपनी जान बचाई और भाग निकला। हम इज्जत पाशा को एक काम सौंपेंगे और आपको इज्जत पाशा का ताकुब करना होगा, एक साय की तरह उनके पीछे रहना होगा। जनाब करासु, आप मुझे यहां लेकर आए हैं? शायद उन्होंने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। यानी महमूद जलालुद्दीन एक बार फिर से फरार हो गया है। उस आदमी को ले आए तुम लोग जिसका मैंने कहा था? जी जनाब, ले आए हैं। हम चाहते हैं कि असले की खेप एक हफ्ते में मुंतकिल हो जाए। जाएं और तहकीक करें कि आया ऐसा मुमकिन है। जनाब पाल्मर, महमूद जलालुद्दीन, अभी मेरी ताजीम में खड़े ना होकर तुमने एक और गलती कर दी है। मैंने कभी कोई गलती नहीं की। बात करते हुए मेरी बात काटना भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर हम गिनना शुरू करें तो ये गलतियां अनगिनत हैं। पहले तुमने अपनी फौजी तंजीम को कसल से निजात पाने की इजाजत दी, ये तुम्हारी पहली बड़ी गलती थी। लेकिन रिवाल के मुजाकरात के लिए तुमने कुछ अहम इकदाम किए, मैं इनकार नहीं करूंगा। तुम वजीर आजम को सफीरों की मेज पे ले आए, लेकिन तुम वो दस्तावेजात नहीं ला सके जो वहां संजक में मौजूद उन खुफिया खानदानों के हवाले से हमें दरकार थी। जनाब पाल्मर, ये गलतियां नहीं है, ये सब सियासत का नतीजा है। आप भी जानते हैं कि सियासत में थोड़ा
वक्त तो लगता है। जब आप अपनी सियासत कर रहे हैं तो अब्दुल हमीद भी बेकार नहीं बैठा हुआ। वो अस्पताल, यतीम खाने और साथ ही साथ मकातिब भी खुलवा रहा है। अफसरान से मालूम हुआ मुझे कि अनातोलिया की छावनियों में मुसलसल इकदामात हो रहे हैं। चनक किले को पहले से और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और जल्द ही वहां हथियारों की खेप पहुंचाई जाएगी और चनक किले में एक अस्पताल भी बनवाया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपकी ये दोहरी सियासत इस सब को रुकवाने में मदद करेगी जो कुछ हो रहा है? यकीनन ऐसा नहीं है, लेकिन फैसला हो चुका है, उस्मानी तबाह होंगे। इस जगह नया निजाम लाया जाएगा और इस काम के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। वो जितने हमले करेगा मैं हर एक का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आप लोग तो उन्हें भी सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सके जो लोग रियासत और अब्दुल हमीद के खिलाफ हैं। मैं अभी यहां आया हूं और आप लोगों से ज्यादा मालूमात मेरे पास है। उसकी हर कदम पर नजर है मेरी और यह भी जानता हूं कि वो इफ्तार कहां करेगा। जनाब करासू। कहिए जनाब पाल्मर। आपके और महमूद पाशा के अभी तक जिंदा होने की सिर्फ एक ही वजह है। क्या है? जिन्होंने मुझे ये काम सौंपा है उन्होंने मुझे तुम्हें एक मौका देने का कहा है। ये मौका जाया मत करना। अब हम इसे कैसे बचेंगे? मुझे नहीं मालूम, शायद इससे हम कभी ना बच पाए। जनाब कारसु, आप ऐसा करें कि फौरी तौर पर सबाहद्दीन को यहां मेरे पास लाएं। मेरा यहां से कोई इकदाम करने का इम्कान नहीं, लेकिन सबाहद्दीन के जरिए कुछ इकदामात हैं जो मैं कर सकता हूं। उसे मेरे पास यहां ले आएं। हां क्यों नहीं। नजीब पाशा, शायद आप समझना नहीं चाहते, ना तो महमूद पाशा और ना ही आपके भाई सलीम पाशा यहां कोई भी नहीं है। मैं आपका यकीन कैसे करूं सफीर साहब? आपके भाई सबके सामने यहां से महमूद पाशा को लेकर गए थे, उनके सर पर पिस्तौल रख के मारने की धमकी दे रहे थे, यानी उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। और आप जानते हैं रियासत ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि सलीम पाशा पाशा नहीं है। ठीक है, देखें, आप अपने भाई की तलाश में हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस बारे में मुझसे मत पूछें। सुल्तान से पूछें कि वो कहां है। बिल्कुल गलत जगह आए हैं आप। करसू, बाबा के हवाले से क्या खबर है? क्या वो जिंदा है? जिंदा है, आप फिक्र मत कीजिए, पुरसुकून हो जाइए सबाहद्दीन। आपके बाबा जनाब पाल्मर के साथ हैं। क्या वाकई? क्या वो यहाँ पायतख्त में? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके बाबा ने उनके इल्म में लाए बगैर मुझे यहाँ भेजा है। क्यों?
क्योंकि उन्हें जनाब पाल्मर के इल्म में लाए बगैर आपकी जरूरत है। सवालात हो गए तो अब चलिए, बाकी बात रस्ते में होगी। बिल्कुल बिल्कुल चलिए। आप सब मुतजस्सिस होंगे कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। ये वो तो कभी महल है जहाँ से कई बरसों तक हमारे अजदाद ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। ये आपके सामने आलम इस्लाम का दिल है, पाया तख्त इस्तंबोल। हमने आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि आप उस रियासत की अजमत को महसूस कर सकें जिसकी आप सब खिदमत कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ ये बताने के लिए जमा किया है कि अब तक हमने क्या किया है और आगे क्या करेंगे। सुल्तान मौसम, जिस शोबे की तरफ भी नजर उठा के देखें उसमें काम जारी है। क्या और भी कुछ करना रहता है अब? अभी तो बहुत कुछ रहता है पाशा, बहुत कुछ बाकी है अभी। कदरकोए बंदरगाह पर हमने पहले ही कयाम का बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। बिल्कुल सिरकजी की तरह अब हमारे लोग सिरकजी कयामगाह से बहुत सी जगह पर जा सकते हैं। हरम से सवार होने वाले मान तक जा सकते हैं आसानी से इंशाल्लाह। रेलवे लाइन मुकम्मल होने पर हम मदीना मुनव्वरा तक भी जा सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इतना काफी नहीं है। हलिज बंदरगाह पर हमारे बहरी जहाज खड़े हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अस्पतालों में हजारों मरीजों का बरवक्त इलाज किया जा रहा है। बच्चों का अस्पताल अलग है, यतीमों के लिए दारुल अमान है। दुरुस्त फरमा रहे हैं सुल्तान मौसम, आपने हमेशा इस कौम और रियासत के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है। हम सब इस बात के गवाह हैं। मसलन बेकौज में कागज का कारखाना। सुल्तान मौजम, आपने सनत के मैदान में रियासत की तरक्की को अहमियत दी है। हुमायूं अजायब घर जो बिल्कुल यहाँ मौजूद है। कुछ बदकिस्मत लोगों का कहना है कि आप तारीख को अहमियत नहीं देते, वो सब झूठे हैं, बहुतान लगाते हैं आप पर। मगर आपने इस सब पर तवज्जो दी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सब एक इंसानी विरासत है। सुल्तान मौजम, आपने इसकी हिफाजत की, आपने बेशुमार मकातिब की बुनियाद रखी ताकि बच्चे इल्म की दौलत से सरफराज हो सके। इंजीनियरिंग के लिए अलहदा मकतब बनाया, जरात के लिए एक तजुर्बा गाह कायम की, इल्म तिब को भी फरोग दिया आपने सुल्तान मौजम, अस्करी मकातिब की भी बुनियाद रखी आपने। सुल्तान मौजम, इस्तंबुल में और आपके ज़ेर इख्तदार तमाम जमीनों में जबान, मजहब, नस्ल और फिरकावारियत से क़तअ नज़र आपने इतने काम किए हैं कि जिनकी कोई गिनती भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये काफी नहीं है, काफी नहीं है पाशा हजरत। अभी हमें बहुत कुछ करना है। अब एक नए दौर का आगाज होगा। जैसे हमने हिजाज रेलवे और बगदाद रेलवे की तामीर के दौरान दुश्मन की चालों का सामना करते हुए अपनी रियासत की खिदमत की, बिल्कुल उसी तरह अपनी खिदमत को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। मकातिब काम करते रहेंगे, फौज की जरूरियात को पूरा करते रहेंगे, अपने शहरों और कस्बों में सड़कों के जाल बिछाते रहेंगे और इन कामों के दौरान आने वाले दुश्मनों को भी ठिकाने लगाते रहेंगे। आप लोग ये फरामोश मत कीजिएगा और इसी जोश के साथ अपने काम को इस नए दौर में भी जारी रखिएगा। चनक किले में हमने हमीदी गढ़ की बुनियाद रखी थी, उसे हमें मजबूत करना है और उसके लिए हम अनातोलिया में मौजूद अपनी सबसे ताकतवर तोपों और असलहे को चनक किले में भेजेंगे। चनक किला एक रोज हमारी इन्हीं जमीनों की हिफाजत करेगा और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह ने जब तक हमें हिम्मत अता की है हम तब तक अपनी रियासत और अपनी कौम के लिए काम करते रहेंगे। अगर कौम की भलाई के लिए हमें पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाना पड़ा तो हम कर गुजरेंगे। रजाए इलाही के हुसूल के लिए तादा में मर जिद्दोजहद करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हुसैन आ गया है जनाब, ले आओ उसे।
तो तुम हो हुसैन? कैसे हो? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पुरसुकून हो जाओ। दिमित्री, खाने की कुछ अशिया फौरन तैयार करवाओ। हुसैन अपने घर ताजा खाना लेकर जाएगा। जो आपका हुक्म। आपका शुक्रिया, लेकिन लेकिन हम कौन हैं? हम तुम्हारी मदद करने वालों में से हैं। हम तुम्हारी गुर्बत के बारे में जानते हैं, तुम्हारी माँ बीमार है, ये भी जानते हैं कि तुम यतीम खाने में रहते हो। तुम्हारी तमाम तर परेशानियों से वाकिफ हूं मैं, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं हुसैन। तुम्हारी मां को इसकी जरूरत होगी, ये रकम रख लो। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे ये रकम नहीं ले सकता। मुझे नौकरी दे दें, मैं काम करूंगा, फिर रकम दे दीजिएगा। इसे रख लो, यकीनन इसके बदले हम तुमसे काम लेंगे। कैसा काम? ले लो। हम ना सिर्फ तुम्हें काम देंगे बल्कि इंतकाम का मौका भी देंगे हुसैन। तुम्हारे बाबा का इंतकाम। आप मेरे बाबा को कैसे जानते हैं? हम सब कुछ जानते हैं हुसैन, सब कुछ। बगीबान, रुको। वो यहां कब से हैं? बस चंद घंटों से। ये यहां क्या कर रहा है? अपने बाबा से मिलने आया हूं। किस लिए मिलना है? महमूद पाशा आपके मेहमान हैं या फिर महज कैदी हैं? वो सिर्फ अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। बाबा सबातीन, जनाब करासू, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया।
ये क्या है बाबा, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, लेकिन पाल्मर आ गया है, वो बहुत खतरनाक है। देखो सबातिन, हमारा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सोचा है कि मेरा पेरिस जाना बहुत जरूरी है, लेकिन यकीनन इस काम के लिए मुझे रकम की जरूरत होगी। तुम कानी के साथ इस मसले को हल करोगे। अब गौर से सुनो मेरी बात। तुम फ्रांसीसी डाकखाने जाओगे और कानी को बर्तानवी डाकखाने भेजोगे, लेकिन याद रखना कि तुम्हें बर्तानवी और फ्रांसीसी दोनों बैंकों से रकम भी निकलवानी है, समझ गए? समझ गया बाबा। ठीक है, कितनी रकम निकलवानी है? दोनों से 5,000 फ्रांक। ठीक है बाबा, जाओ जल्दी करो ये काम। जी ठीक है, मैं फौरन करता हूं। तो बताइए, महल में जिंदगी कैसी चल रही है? आपकी सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात हुई? अच्छी तरह नहीं हुई विक्टर, क्योंकि सालेहा सुल्तान हमेशा मेरे लिए रुकावट बन जाती हैं। यकीनन उन्हें इस बात का डर होगा कि सुल्तान अब्दुल हमीद आपकी खूबसूरती की तरफ रागिब हो जाएंगे। सालेहा सुल्तान बजाते खुद खूबसूरत खातून है। यकीनन वो आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं होंगी। अब्दुल हमीद भी आपकी तरह सोचें ये उम्मीद करती हूँ मैं, लेकिन हम हर चीज को खूबसूरती पर नहीं छोड़ सकते। मेरे पास अब्दुल हमीद के बारे में बहुत सी मालूमात हैं, और उसे किस तरह से मुतासर करना है ये मैं बखूबी जानती हूँ। मुझे यकीन है, लेकिन आपको उनसे मिलने के लिए सालेहा सुल्तान को रास्ते से हटाना होगा। मंसूबा बना चुकी हूँ, मैं ऐसा काम करूंगी कि अब्दुल हमीद ज़ाती तौर पर मुझे खुद से मिलने के लिए बुलवाएगा। इस काम के लिए मुझे आपकी मदद दरकार होगी। इसमें कोई शक नहीं, मैं आपका मातहत हूँ, आप बस हुक्म दीजिए, काम हो जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुनिए, खतरनाक मंसूबा है लेकिन हमें यह करना होगा। माशाल्लाह सुल्तान मुअज्जम, वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जारी रखिए, इन बच्चों को जरा यहां लेकर आइए पाशा। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। मलिका, हम दारे शफकत में बच्चों से मुलाकात के लिए जा रहे हैं सुल्तान मुअज्जम। अल्लाह आपकी नेक नियति कबूल फरमाए। आमीन। मेरी खातून भी हमारे साथ चलना चाहती थी। हमने इस सोच के साथ उनकी दरख्वास्त कबूल की कि बच्चों की सूरत हाल को देखना हमें पहचानने का एक जरिया होगा उनके लिए। मेरी खातून इस कदर तंदुरुस्त हो गई हैं कि वो आपके साथ आना चाहती हैं, कि ऐसा ही है? उनका कहना है कि उन्हें कुछ अरसे से ये बीमारी है, जब उन्होंने बाकायदगी से अपनी दवाई नहीं ली तो वो दोबारा बीमार हो गई। उम्मीद है वो आइंदा वक्त पर दवाई लेंगी इंशाल्लाह। वो आपसे इस तरह मिलने पर थोड़ी शर्मिंदा है। वो अपनी शर्मिंदगी का इजहार करने और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपसे मिलना चाहती थी, तो हमने उनसे कहा कि इसकी जरूरत नहीं। आपने दुरुस्त कहा मलिका, लेकिन उनसे कहिएगा कि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं, बीमार होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती। आइए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, ये आपसे मिलने से पहले अपने हाथ और मुंह को साफ करना चाहती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुल्तानी मुअज्जम, दारे शफकत से वापसी के बाद हमें कैसे खानदान के साथ इफ्तार करने का इरादा रखते हैं जिनकी हमने मदद की थी? अल्लाह आपके रोजों को कबूल फरमाए। आमीन। आपके भी सुल्तानी मुअज्जम। अल्लाह की अमान में रहिए। आपका नाम क्या है बेटा? मजीद सुल्तानी मुअज्जम। और आपका? अहमद नाम है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन बच्चों को अस्करी कमांडर ताहिर पाशा के पास भेज दीजिए। तहसीन पाशा, जैसा आप चाहें सुल्तान मुअज्जम। हम इन्हें फौज की राइफल दस्ते में शामिल कर रहे हैं, ये अपनी तनख्वाह लेंगे और मकतब जाएंगे। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। ठीक है, आपका भी शुक्रिया, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन। दस्तावेजात ये रही। सब दे दीजिए, लिफाफे में रखे बगैर दे दें।
बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं इस खाते में से रकम निकलवाना चाहता हूँ। कितनी? तकरीबन 5,000 फ्रांक। मैं देख लेता हूँ, इंतजार कीजिए। बिल्कुल। माजरा चाहता हूँ, यह खाता जब्त कर लिया गया है। ये लीजिए। कैसे? क्या मैं इसमें से रकम नहीं निकलवा सकता? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो क्या कोई सबब बताया गया है कि यह खाता आखिर क्यों जब्त हुआ है? नहीं, सबब तो मुझे नहीं मालूम, मगर इससे रकम नहीं निकलवाई जा सकती। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या आप थोड़ी जल्दी कर सकते हैं? ये खाता लेन देन के लिए बंद है। क्या कहा? ये बंद है? बिल्कुल, इसे जब्त कर लिया गया है। ठीक है। सुल्तान मौज़म, तहकीकात के नताइज। सुल्तान मौज़म, धमाके का सबब बनने वाला बम बरतानवी जासूसों के अंदाज से नस्ब किया गया था। सुल्तान मौज़म, बरतानवी आपके खिलाफ किसी तंजीम को तबाह क्यों करेंगे? हमें ये तो नहीं मालूम, मगर ये काम यकीनन बरतानवी लोगों का ही है बेटे। हमें एक और बात मालूम हुई है बम के हवाले से, उस पर एक नंबर भी दर्ज था, बग्गी का नंबर। सुल्तान मौज़म, मालूम हुआ है कि वो बग्गी बंदरगाह के दाखिली दरवाजे से गुजरी थी। इसकी मजीद तहकीकात करें बेटे, बंदरगाह जाएं और मालूम करें, यकीनन ये एक बहुत अहम कड़ी है। देखते हैं ये हमें कहां ले जाती है। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। अपने साथ सूतलो उस्मान और नादिर साहब को ले जाइएगा। जरूर। सुल्तान मौज़म, माजरत चाहता हूं, लेकिन हमें इसद पाशा का भी इम्तिहान लेना है, वो भी हमें उस जगह पर मिले थे। सुल्तान मौज़म, मुझे उन पर शक है। हमने उन्हें रियासत के मुस्तकबिल के लिए चनक किले के हवाले से एक फर्ज सौंपा है पाशा। असलहे की मुंतकली के हवाले से सुल्तान मौज़म? मुझे यहां मुलाकात के लिए बुलाया गया है, आप चाहते हैं मैं बैठ जाऊं? तुमने अच्छा काम किया है इसन। जी शुक्रिया जनाब, मैं बहुत मशकूर हूं आपका। तंजीम खत्म हो गई। महमूद मेरे पास है, सलीम भी मेरे पास है, करसू मेरे साथ है, सब ठीक चल रहा है। अब अब्दुल हमीद की बारी है। इस बारे में तुम मुझसे क्या वादा कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए कारगर साबित होगे? अब्दुल हमीद ने मुझे एक फर्ज तफवीज किया है, अनातोलिया में मौजूद तोपों को चनक किले में मुंतकिल करने का कहा गया है। क्या वाकई? वालिदा, वालिदा, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं खाना निकाल कर लाता हूँ अभी।
अशरफ अजीज साहब का बहुत अफसोस है हमें, माजरत चाहते हैं पहले ताजियत का मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं शहजादे, इस तरफ चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मालूमात के मुताबिक इस नंबर की बग्गी यहां से गुजरी थी, वो धमाके में इस्तेमाल हुई है। लेकिन धमाके से हमारा क्या ताल्लुक? जनाब हम ये नहीं कह रहे कि आपका ताल्लुक है, हम बस आपसे मालूमात चाहते हैं। ठीक है मैं अभी देखता हूं। जी वो यहीं से गई थी, थरा में मौजूद पाइथन स्टेशन तक, बस यही दर्ज है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, चलो चले। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हम यहाँ आने वाली एक बग्गी की तलाश में हैं, महल से आए हैं हम। ये नंबर दर्ज था उस बग्गी पे। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हम नहीं जानते, कसम से हमने आज ही काम शुरू किया है, पहला दिन है। तजुर्बेकार बग्गीबान कहाँ गए जो आपको बिठा दिया गया? एक धमाका हुआ था, सब मारे गए उसमें, बस यही मालूम है। काम आसान हो। शुक्रिया। शुक्रिया। ये मालूमात सुल्तानी मौज़ज़म तक पहुंचानी होगी। जी बिल्कुल शहजादे। इस तंजीम की तश्कील सुल्तान अब्दुल अजीज खान के हुक्म से की गई थी ताकि गरीब और यतीम बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर सके और अपना ख्वाब पूरा कर सके। इसके जेरे एहतमाम 4000 से ज़ायद बच्चे जेरे तालीम है। सुल्तान मौज़ज़म ने तालीम को जो अहमियत दी है वो मकातिब की तादाद से बिल्कुल वाज़ेह है। हम पहुंच गए सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने यहां आकर हमें इज्जत बख्शी सुल्ताना। शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग, क्या आप सब ठीक हैं? हम ठीक हैं सुल्ताना। जी ठीक है सुल्ताना। चलिए अंदर चलते हैं। चलिए आइए। खुश आमदीद। आइए सुल्ताना। मैंने मुसलसल उस बग्घी पर नजर रखी सुल्तान मौसम, लेकिन जब जाकर देखा तो वो खाली थी। इज्जत पाशा उसमें नहीं थे। ये इज्जत पाशा आखिर क्या कर रहे हैं? सुल्तान मुअज्जम अगर इजाजत दें तो मैं मंसूबे को जारी रखूं। ठीक है सुल्तान मुअज्जम। आइए बेटे, क्या सूरत हाल है बताइए। सुल्तान मुअज्जम तहकीकात करते हुए हम पैरा में मौजूद एक बग्घियों के अड्डे तक पहुंचे। हमने देखा कि वहां मौजूद तमाम बग्घीबान नए थे। उनसे साबिक बग्घीबानों का पूछा तो उन्होंने बताया कि सब फौत हो गए हैं। आप जिस अड्डे पर गए थे वो भी तो पैरा में ही था ना? जी सुल्तान मौसम। यानी इज्जत पाशा किसी से मुसलसल राब्ते में है। सुल्तान मौसम लेकिन आपने उन्हें एक फरीजा सौंपा हुआ है। इसी वजह से जब वो अपना काम शुरू करेंगे तो उनका ताकुब ध्यान से करना होगा। हमें हर सूरत ये मालूम करना होगा कि इज्जत पाशा की डोर किसके हाथ में है। अब्दुल हमीद ने आपको जो फर्ज सौंपा है उसी से उसका और उसकी सल्तनत का खात्मा होगा। ये कैसे होगा जनाब? हम उसके दिफा को कमजोर करके ये मुमकिन बनाएंगे। अब्दुल हमीद की अनातोलिया से चनक के लिए भेजी गई सभी तोपों को नकारा तोपों के साथ तब्दील कर देंगे। इस तरह वो समंदर में अपने हदफ को निशाना नहीं बना पाएंगे जंग में। क्या आपके अंदाजे के मुताबिक
जंग छिड़ जाएगी जनाब। मेरे पास अंदाजे नहीं, मालूमात होती हैं इज्जत पाशा। लेकिन कैसे? अगर कोई रूसी कौम परस्त अब्दुल हमीद को मार डाले तो क्या होगा? खून खराबा होगा। तो चले फिर, अब आप जाएं और अपना काम शुरू करें। जो आपका हुक्म जनाब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات نبی اکرم پر وحی فرمائی جن کی میں ابھی تلاوت کر رہا تھا۔ ان آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اسی طرح اہل ایمان بھی۔ وہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائے اور کہا، ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے رب، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اسے اجر ملے گا، اور گناہ پر عذاب۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا پھر خطا کر بیٹھیں تو ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دینا۔ آمین۔ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال جس طرح تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ ہم سے درگزر فرما،
हमें बख्श दे परवरदिगार और हम पर अपना खास रहम फरमा। ए हमारे परवरदिगार, हम पर इतना बोझ मत डाल जिसे उठाने की हम में ताकत नहीं, हम सबको बख्श दे। आमीन। बेशक अल्लाह का कलाम हक और सच है। अल्लाह और ज़ौकता फरमाए इस्माइल हक्की साहब, आज हमने सूरह बकरा का तर्जुमा सुनने की सआदत हासिल की। हम अगली निशस्त में आपसे इसकी तफसीर सुनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुल्ताने मौज़्ज़म। सुल्ताने मौज़्ज़म, आप अपनी मसरूफियात के बावजूद अपने अजदाद से मीरास में मिलने वाले दरस कुरान के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और इन महाफिल में शरीक होते हैं। हम कैसे शरीक ना हो इस्माइल हक्की साहब, हमें हमेशा अपने ईमान को ताजा रखना है। ये ईमान ही है जो इंसान को मजबूत बनाता है और हम बड़ी से बड़ी मुश्किल के सामने डट जाते हैं अल्लाह की मदद पर कामिल यकीन के साथ। हम इसी ईमान की बदौलत अपने तमाम तर मामलात को अल्लाह के ही सुपुर्द करते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी भी तना नहीं छोड़ा करता। हम अपने दीन की नुसरत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती करते हैं और उसी परवरदिगार के हुक्म से उसके दुश्मनों के खिलाफ जंग करते हैं। हमारा दीन ही हमारा सब कुछ है, तो हम दरस कुरान को कैसे छोड़ सकते हैं? अल्लाह हमेशा हमारा ताल्लुक कुरान से कायम रखे और इसकी तालीमात पर हमेशा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम रमजान के आखिरी दिन तक बिला तातुल यह सिलसिला जारी रखेंगे। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। इस हलके को वसी कीजिए और मजीद उलमा और मुफसरीन को इस हलके में शामिल होने की दावत दीजिए, ताकि हम उनसे भी इस्तिफादा कर सकें। जैसा आप चाहें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को भी कुरान की तालीम देता है। अल्लाह पाक हम सबको दीन को समझने और उसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक कता फरमाए। आमीन। आमीन। दुआ कीजिए। मैंने अपनी पहली शादी से होने वाले बेटे रिफत के साथ वो हवेली खरीदी थी। अब्दुल हमीद को इस बात की खबर तक नहीं है। हो सकता है उसने मेरी जायदाद जब्त कर ली हो, लेकिन रिफत की जायदाद जब्त नहीं की होगी। अल्लाह खैर करे। सुल्तान मौसम, मैं देख कर आता हूँ, इजाजत दीजिए मुझे। जाइए पाशा। अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम खुद सुल्तान मौसम से तुम्हारी माफी की दरख्वास्त करेंगे। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिन्होंने मुझे ये हुक्म दिया है उन्होंने रकम भी दी है। अब मैं इसकी शहर जाकर वहाँ नाकिस तोपों की तरसील का इंतजार करूँगा और किसी की नजरों में आए बगैर सही तोपों की जगह नाकिस तोपें रख दूंगा।